नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका, दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा, एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। कल से लॉकडाउन 4, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट। दुकानों के खुलने का फैसला करेंगी राज्य सरकारें। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 1251। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को 24 घंटे के अंदर डिग्निटी और सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराने का DM ने दिया निर्देश। दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन की कवायद तेज। रेड क्रॉस दरभंगा ने NH पर प्रवासी मजदूरों को बांटे कोल्ड ड्रिंक। 52 वाहनों से 29,000 वसूला गया जुर्माना, इस सप्ताह 2,37,000 से अधिक की वसूली। विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में 20,000 प्रवासी आवासित। और एम्बुलेंस कर्मियों से अपराधियों ने लूटे पैसे और मोबाइल, जांच में जुटी पुलिस। और समाचार अब विस्तार के साथ। कल से लॉकडाउन 4, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। दुकानों के खुलने का फैसला करेंगी राज्य सरकारें। और यह बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, जहां देश भर में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। यह लॉकडाउन 4 होगा, जो 18 मई से 31 मई तक के लिए 14 दिनों का होगा। देश भर में 2 सप्ताह के लिए, 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। देश में यह चौथा लॉकडाउन है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान इस लॉकडाउन में भी रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान इसमें हर हाल में रखना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, मास्क का प्रयोग करना है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर है कि देश भर में 2 सप्ताह के लिए, 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन 4 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की तरफ से भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटीज़ को लॉकडाउन बढ़ाने का यह निर्देश दिया गया है। कई राज्य पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, कई राज्य 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। और अब पूरे देश के लिए यह खबर है कि COVID-19 कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। और लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश आ गए हैं। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस आ गए हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस बीच है, दुकानों के खुलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान नहीं खुलेगी, यह फैसला राज्य सरकारें करेंगी। और जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें 5 से अधिक ग्राहक नहीं होंगे एक वक्त में। और सबसे बड़ी खबर जो यह है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक देश भर में कर्फ्यू होगा, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट,
शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। केवल रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही जाने की इजाज़त होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। खेल के स्टेडियम खुलेंगे लेकिन बिना दर्शक, या केवल प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कोचिंग स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज जो शिक्षण संस्थान हैं वो नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज चलती रहेंगी। राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी होगी। सभी धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, हवाई सेवा बंद रहेगी। रेल पहले से ही 30 जून तक के लिए बंद है। केवल श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। देश भर में कर्फ्यू होगा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की छूट होगी। 3 जोन पहले होते थे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, लेकिन 1 जोन और बढ़ाया जा रहा है, यह बफर जोन होगा। और राज्य सरकारें यह जोन तय करेंगी। 4 जोन होंगे अब, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और बफर जोन। जोन कौन सा जिला किस जोन में होगा यह राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्य सरकार स्थिति के अनुसार बसें चला सकेंगी, यह छूट होगी राज्य सरकार को। दफ्तर जो खुलेंगे उसमें तापमान जाँचने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी छूट होगी, क्या कुछ खुलेगा, क्या बंद रहेगा। लेकिन जो सबसे कड़ी कार्रवाई की बात है, अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, झूठी जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश भर में बाहर निकलने पर हर के चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों की खैर नहीं होगी। दफ्तरों में लंच का समय अलग अलग होगा। दुकानें खोलने पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी। दोबारा बताएं आपको, दुकानों के खुलने पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी, लेकिन जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें 5 से अधिक ग्राहक एक वक्त में नहीं रहेंगे। तो लॉकडाउन 4 के जो दिशा निर्देश हैं वो आप तक हमने पहुँचा दिए हैं। और भी जो गाइडलाइंस आएंगी, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक आप तक पहुँचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 1251। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। आज जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में 1251 तक पहुंच गई। दोपहर बाद जो कोरोना की जांच की रिपोर्ट आई है उसमें 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और इसमें से हैरानी की बात यह है कि 56 मरीज पटना से सामने आए हैं, जबकि नालंदा और सारण से एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 56 मरीजों का पटना से अकेले कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को 24 घंटे के अंदर डिग्निटी और सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को 24 घंटे के अंदर डिग्निटी और सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। डीएम दरभंगा और डॉक्टर त्यागराज एनएसएम द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 18 प्रखंडों एवं नगर निगम दरभंगा में कार्यरत क्वारंटाइन केंद्रों में ठहराए गए आवासित लोगों को उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन केंद्रों में आगमन होने के 24 घंटे के अंदर आपदा विभाग द्वारा प्रस्वीकृत डिग्निटी किट्स एवं सैनिटरी किट्स उपलब्ध करा दिया जाए। क्वारंटाइन केंद्रों में सभी आवासितों के लिए भोजन, आवासन, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध हो। चेतावनी दी गई कि कहीं से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों में सुगम संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को धोती, लुंगी, गंजी, गमछा, साड़ी, साया, ब्लाउज, महिला प्रवासी के केस में मच्छरदानी, थाली, प्लेट, ग्लास, बाल्टी, दरी, चादर, साबुन, शैम्पू, कंघी, टूथब्रश, टूथपेस्ट आदि व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री उनके आगमन के साथ उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, ताकि ज़रूरत के हिसाब से वे इन सामग्रियों का उपयोग कर सके। डीएम ने कहा कि नाश्ता और खाना के लिए भी आपदा विभाग से जो मेन्यू निर्धारित है वह बिना चूक के उपलब्ध कराया जाए। 14 दिनों के बाद क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों को घर भेजने के समय ₹500 एवं उनके द्वारा व्यय किया गया ट्रेन टिकट भाड़ा की राशि भी प्रदान की जानी है। दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन की कवायद तेज।
दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन की कवायद तेज। सीओ को नजरी नक्शा के साथ प्रस्ताव भेजने का दिया गया निर्देश। सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के हालिया परिपत्र के आलोक में दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन एवं पुराने निकायों के उत्क्रमण के संदर्भ में कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) के द्वितीय परंतुक में नगर पालिका गठन के लिए वर्तमान शर्तों में संशोधन किया गया है। इसके तहत सभी दशाओं में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक काश्तकार और कर्मियों कृषि कर्मियों की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम होगी, लेकिन पूर्व में यह प्रावधान था कि सभी दशाओं में गैर कृषि जनसंख्या 75% या अधिक होगी। उन्होंने कहा है कि नगर निकायों के गठन हेतु किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के निमित्त उत्पादित राजस्व, गैर कृषि कार्यों में नियोजन का प्रतिशत, उस क्षेत्र का आर्थिक महत्व यथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए नगर निकायों के गठन का प्रावधान है। रेड क्रॉस दरभंगा ने NH-57 पर प्रवासी मजदूरों को बांटे कोल्ड ड्रिंक। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा ने आज सिमरी थाना अंतर्गत NH-57 स्थित बिठौली चौक पर एक राहत शिविर लगाया। COVID-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति है, उसमें फैक्ट्रियां और अन्य रोजगार के साधन बंद होने के कारण अपने घरों को लौट रहे कामगारों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था। पूरे भारतवर्ष, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर आदि से लौट रहे प्रवासियों के बीच शीतल पेय का वितरण किया गया। ये प्रवासी कोई साइकिल से, कोई बाइक से, तो कोई रिक्शा चलाकर लौट रहे हैं। वहीं कुछ मजदूर ट्रकों में जगह तलाशते हुए लौटते मिले, तो कुछ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों से वापस आते दिखे। एक तो गर्मी, ऊपर से रास्ते में कुछ खाने पीने का न मिलना, यह बहुत दर्दनाक था। कई लोगों ने तो कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। शीतल पेय पाकर सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखकर सेवा देने वाले स्वयं सेवकों को तसल्ली मिली। संपूर्ण कार्यक्रम चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू खेतान के निर्देशन में हुआ। साथ ही वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर एस एच आबदी, सहायक सचिव आलोक सिंह मुन्ना, संस्था के संरक्षक सदस्य गण भी इस मौके पर उपस्थित थे। 52 वाहनों से 29,000 वसूला गया जुर्माना। इस सप्ताह 2,37,000 से अधिक की वसूली। 52 वाहनों से 29,000 रुपया वसूला गया जुर्माना। इस सप्ताह में 2,37,500 रुपये की हुई वसूली। यातायात थाना द्वारा लॉकडाउन के दौरान रविवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 52 वाहन चालकों से 29,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। यातायात थाना अध्यक्ष जैनंदन ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर इस सप्ताह 11 से 17 मई तक शहर में 3 मुख्य जगहों पर विशेष रूप से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कुल 2,37,500 रुपया जुर्माना वसूला गया है। रविवार को दोनार चौक पर चलाए गए वाहन जांच अभियान में सहायक अवर निरीक्षक असलम हुसैन एवं टुनटुन पासवान द्वारा 16 वाहन चालकों से 8,000 रुपया, आयकर चौराहा पर सहायक अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के द्वारा 19 वाहन चालकों से 11,000 रुपया एवं यातायात थाना पर दीपक कुमार एवं प्रदीप कुमार सिंह द्वारा 17 वाहन चालकों से 10,000 रुपया जुर्माना वसूल किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचे बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर है सबके लिए। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम। इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
कल से लॉकडाउन 4, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों के खुलने का फैसला करेंगी राज्य सरकारें। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 1251। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को 24 घंटे के अंदर डिग्निटी और सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश। दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन की कवायद तेज। रेड क्रॉस दरभंगा ने एनएच पर प्रवासी मजदूरों को बांटे कोल्ड ड्रिंक। 52 वाहनों से 29,000 वसूला गया जुर्माना, इस सप्ताह 2,37,000 से अधिक की वसूली। विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में 20,000 प्रवासी आवासित। और एम्बुलेंस कर्मियों से अपराधियों ने लूटे पैसे और मोबाइल, जांच में जुटी पुलिस। विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में दरभंगा जिले में लगभग 20,000 प्रवासी आवासित। दरभंगा जिले में लगातार कार्यरत हैं विभिन्न जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर। शहर से लेकर गांव तक क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों को रखा गया है, उन्हें सभी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 20,000 के करीब प्रवासी जिले में क्वारंटाइन सेंटरों में आवासित हैं। एम्बुलेंस कर्मियों से अपराधियों ने लूटे पैसे और मोबाइल, FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। एम्बुलेंस कर्मियों से लूट की खबर, थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई गई FIR, जांच में जुटी पुलिस। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल के एम्बुलेंस स्टाफ नरेश कुमार, केशव कुमार मिश्र एवं अमित कुमार ने थाने में आवेदन देकर कहा कि एम्बुलेंस ठीक कराने वे लोग दरभंगा गए थे, गाड़ी ठीक नहीं हुई तो बाइक से वापस आ रहे थे और इसी बीच माधोपुर में ईंट भट्टा के निकट 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने ओवरटेक किया, घेर लिया और पिस्तौल दिखाकर मोबाइल और पैसा लूट लिया। पुलिस ने बहेड़ा थाना कांड संख्या 165/2020 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जब तक के समाचार, विदालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल से लॉकडाउन 4, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों के खुलने का फैसला करेंगी राज्य सरकारें। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 1251। क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को 24 घंटे के अंदर डिग्निटी और सैनिटरी किट्स उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया निर्देश। दरभंगा जिला में नए नगर निकायों के गठन की कवायद तेज। रेड क्रॉस दरभंगा ने एनएच पर प्रवासी मजदूरों को बांटे कोल्ड ड्रिंक। 52 वाहनों से 29,000 वसूला गया जुर्माना, इस सप्ताह 2,37,000 से अधिक की वसूली। विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में 20,000 प्रवासी आवासित। और एम्बुलेंस कर्मियों से अपराधियों ने लूटे पैसे और मोबाइल, जांच में जुटी पुलिस। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज़ टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।